मकर संक्रांति से सूरज की तरह चमकेंगे इन पांच राशियों के सितारे। अब तो भिखारी को भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में आने के बाद यहाँ सूर्य शनि और शुक्र का संयोग बनेगा। सूर्य शनि और शुक्र का यह मिलन मौसम में बदलाव लाने के साथ ही अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी असर डालेगा। इसके साथ ही सूर्य के मकर राशि में आने से पांच राशियों के लिए सूर्य बेहद शुभ फलदायी होंगे और इनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, लेकिन इसका पुण्यकाल 15 जनवरी को माना जाएगा। मकर राशि में आकर सूर्य शनि के साथ संयोग करेंगे, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना है। सूर्य के मकर राशि में आने से एक तो मलमास समाप्त होगा, इसके साथ ही मकर राशि में सूर्य शनि शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में मकर संक्रांति से पांच राशियों के सितारे चमकेंगे और जीवन में लाभ और उन्नति का संयोग बनेगा। आइए जानते हैं सूर्य के मकर राशि में आने से किन किन राशियों को फायदा मिलेगा। मकर संक्रांति का वृष राशि पर प्रभाव। सूर्य के मकर राशि में गोचर से वृषभ राशि के जातकों को विशेष रूप से फायदा मिलेगा। इनको नौकरी व्यापार के मामले में विशेष रूप से फायदा होगा। इस दौरान आपकी आय बढ़ेगी और किसी लंबे समय से चल रहे मुकदमे में जीत मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पिता के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। जीवन साथी की सलाह से इस वक्त जो काम करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था बढ़ेगी। विदेशी कंपनी के साथ अगर आप कोई डील करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो पूर्ण हो सकती है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और ऑफिस में वरिष्ठ जनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। मकर संक्रांति का मिथुन राशि पर प्रभाव। सूर्य का मकर राशि में आगमन मिथुन राशि के लिए बेहद फायदेमंद है। आपको वर्क प्लेस पर बहुत बेहतरीन माहौल प्राप्त होगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कारोबार करने वालों को विशेष लाभ होगा। आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। किसी काम को लेकर काफी समय से चल रहा तनाव दूर होगा। दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा और आपकी लव लाइफ पहले से और बेहतर होगी। इस दौरान आपको सेहत के मामले में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आपकी राशि में सूर्य का शनि और बुध के साथ संयोग आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। इस वक्त किसी पर रुपए पैसे के मामले में भरोसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। आपके अपने ही धोखा दे सकते हैं। मकर संक्रांति का कर्क राशि पर प्रभाव। मकर राशि में सूर्य का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपको हर मामले में अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। प्रोफेशनल मामलों में आपके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ लेकर आया है। इस दौरान आपको नौकरी के संबंध में अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। वहीं कारोबार में अचानक से कोई ऐसी पेमेंट मिल सकती है जो काफी दिनों से रुकी हुई थी। जो लोग अविवाहित हैं उनको इस वक्त कोई पार्टनर मिल सकता है। पार्टनरशिप के मामले में भी फायदा होगा। बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है। वृश्चिक राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। गोचर के शुभ प्रभाव से आपको करियर में सफलता मिलेगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता में इजाफा होगा और इसका भविष्य में आपको लाभ होगा। धर्म और अध्यात्म के विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप इस वक्त जिस काम को भी मेहनत से और लगन से करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार के बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, उनके साथ मधुर वाणी से बात करें। इस वक्त भाइयों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद सुलझ जाएगा। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में जो लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। मकर संक्रांति से मकर राशि पर शुभ प्रभाव। सूर्य का मकर राशि में गोचर मकर राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। इस राशि के लोगों के जीवन में इस गोचर से सकारात्मकता बढ़ेगी। पुरानी समस्याओं से इस वक्त आपको राहत मिलेगी। आपकी बीमारियां दूर होंगी और आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बिजनेस के मामले में आंखें बंद करके किसी पर भरोसा न करें तो फायदे में रहेंगे, वरना कोई आपको अपना ही धोखा दे सकता है। पार्टनर की तरफ से आपको अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। नौकरी खोज रहे लोगों के लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।